नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राष्ट्रीय सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया खबर। उमरिया जिले के नौरोजाबाद में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा अडानी ग्रुप में निवेश के खिलाफ LIC ऑफिस पीपल चौक में धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी के साथ विरोध जताया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष के आह्वान पर, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के आह्वान पर और उमरिया जिले के जिला अध्यक्ष अजय सिंह के आह्वान पर आज नगर नौरोजाबाद के पीपल चौक LIC ऑफिस के समक्ष अडानी ग्रुप में निवेश के खिलाफ और मोदी सरकार के इशारे पर LIC और स्टेट बैंक जैसे सरकारी संस्थानों के द्वारा अडानी समूह में बेहद जोखिम भरे लेन देन और निवेश से इंश्योरेंस कंपनी के 29 करोड़ पॉलिसी धारकों व बैंक के 45 करोड़ खाता धारकों के भविष्य को दावे पर लगा दिया गया है। यह दोनों भारतीयों की गाढ़ी कमाई से बने हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुरेश सिंह, सतीलाल, अशोक मिश्रा, वासुदेव उटिया, सुशील सोनी, अर्जुन सिंह, बाला सिंह टेकाम, शकील भाई, पंचम सिंह, मंगल सिंह, रमेश सिंह परस्ते, महेंद्र सिंह, एसोराम, नीरज सिंह, रघुवंशी, बाबू साहू, KP सिंह, JP मिश्रा, लेखराम, लोकमणि, लोकेश विश्वकर्मा, शिव प्रसाद, हुसैन लारा, भूरा भाई, संतोष भीमसेन, निर्मला तिवारी, नूरजहां बानो और कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं सबसे पहले अपनी मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जो धरना प्रदर्शन था वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आह्वान पर, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के आह्वान पर और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व विधायक आदरणीय अजय सिंह जी के आह्वान पर ये धरना प्रदर्शन स्टेट बैंक और LIC के कार्यालय के सामने करने का आह्वान हुआ था प्रदेश कांग्रेस से, जिला कांग्रेस से और राष्ट्रीय कांग्रेस से। उस तारतम्य में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करने का एक ही उद्देश्य था कि अदानी ग्रुप में लाखों करोड़ रुपया जो निवेशक हैं उनका बिना सोचे समझे शेयर को खरीदा गया और वो शेयर लगातार 5 महीनों से अपने न्यूनतम स्तर पर आ गया। करोड़ों अरबों रुपया इसमें हमारे निवेशकों का डूब गया और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उन निवेशकों को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई संसद में बोलने को तैयार नहीं। राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई, नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्पीच में, अपने उद्बोधन में संसद के पटल पर एक भी ऐसा बात नहीं कहा जिससे निवेशक संतुष्ट हो जाए। उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और ये सांकेतिक है, इसके बाद और बड़े उग्र आंदोलन होंगे। हम निवेशकों को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, वो हमारे देश की जनता है और हम अपनी जनता के साथ खड़े हैं। पूरे देश में आज LIC हेडक्वार्टर में, ब्रांच में, SBI हेडक्वार्टर में, ब्रांच में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। आप सबको मालूम है कि देश अब बचा नहीं है, हमारी वित्तीय संस्थाएं नहीं बची हैं, हमारी जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं वो नहीं बची हैं और देश एक बड़ा संकट के तरफ बढ़ गया है। ऐसे स्थिति में इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, संस्थाओं को बचाने के लिए, वित्तीय संस्थाओं को बचाने के लिए कांग्रेस ने फैसला किया है कि ये हमारे तमाम ग्रामीण क्षेत्र से साथी राठा से, कर्री से, गल्दा से, चारों तरफ से लोग यहाँ बड़ी संख्या में आए और सब में ये पता चलता है कि गांव में कितना आक्रोश है इस बात को लेकर के। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं समाज से, पूरे देश से, कि आज जो संकट है उसको समझे और देश को बचाने के लिए लोग रोड में निकले, सामने आए, तभी ये देश बच पाएगा और हमारा लोकतंत्र बच पाएगा। सिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, अभी हाल ही में सिलेंडर की रेट बढ़ाए गए हैं, इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है। कभी हम लोग सुनते थे कि पैसे में महंगाई बढ़ता था, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, अब तो महंगाई रुपया में बढ़ने लगा, वो भी आधे सैकड़े। वो आज 50 रुपया बढ़ा है, कल 100 रुपया बढ़ाएंगे, फिर 150 बढ़ाएंगे। ये गरीब बनाना चाहते हैं लोगों को और कुछ नहीं करना चाहते। आप सब जानते हो कि 100 लोग देश के अंदर है जो अमीर है और ऊपर बढ़ रहे हैं।
बाकी 80 करोड़ लोगों को कहते हैं कि हम राशन दे रहे हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं। देश में 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हो, आपको गर्व महसूस हो रहा है। शर्म आनी चाहिए कि आप 80 करोड़ लोगों को आप गरीबी के नीचे ढकेल दिए और एक तरह से आपने भिखारी बना दिया है। शम्मी खान नियाजी की रिपोर्ट।